पिछले 30 नवंबर 2023 से प्रदेश व्यापी हड़ताल करके उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मियों ने आंदोलन की मुहिम फिर से छेड़ दी है। अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर 75 के 75 जिले कार्य बहिष्कार करके अपने बकाया लाभों मांगों को लेकर अड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन कर्मचारी यूनियन और समस्त जनपदों द्वारा ज्ञापन सौंपकर पूर्व चेतावनी अनुसार अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। आज आंदोलन के 10वें दिन भी 75 जनपदों को एक साथ कार्य बहिष्कार पर रहने से ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित यह योजना अपनों की ही बेरुखी से हाशिए पर नजर आ रही है, क्योंकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में समूचे प्रदेश में इस योजना को बल देने वाले समस्त जिला मिशन प्रबंधक, ब्लॉक मिशन प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित समस्त मिशन कर्मी कार्य बहिष्कार पर हैं और अपना डेरा आंदोलन स्थल लखनऊ के इको गार्डन में एकत्रित होकर जमाए हुए हैं। आपको बताते चलें कि आंदोलन को तेज होता देख मिशन मुख्यालय के आला अधिकारियों ने मिशन मुख्यालय में दो बार वार्ता करके यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोघा की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल को कार्य बहिष्कार को खत्म करने हेतु दबाव बनाया जा चुका है, लेकिन यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक धरातल पर हमारे लंबित लाभ हमें प्राप्त नहीं हो जाते तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि मिशन मुख्यालय के आला अधिकारियों का कहना है कि समस्त मिशन कर्मी कुछ वक्त और दे दें और अपने कार्य बहिष्कार को खत्म करके वापस काम पर आ जाएं, लेकिन कई बार मिशन मुख्यालय से इस प्रकार के झूठे आश्वासन मिलने से मिशन कर्मियों में रोष व्याप्त है और इस बार पूरे आश्वासन पर यकीन कर लिया जाए इसका उनके पास कोई कारण नहीं है। इको गार्डन में समस्त जनपदों से मिशन कर्मियों का तांता लगा हुआ है एवं समस्त जनपदों के मिशन कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोघा ने आंदोलन को और तेज गति देने की बात कहते हुए बताया कि मिशन मुख्यालय के आला अधिकारी हमारी मांगों को लेकर शुरू से ही उदासीन हैं और शासन तक हमारी बात को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। मिशन में बैठे आला अधिकारी शासन में बैठे जनप्रतिनिधियों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हमारी मानव संसाधन नियमावली में साफ तौर पर जो मांगें हम मांग रहे हैं उनका जिक्र है, इसके बाद भी मिशन के आला अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करते हुए सुध लेते हुए HR पॉलिसी में निहित मांगों लाभों को पूरा करने की बात कही है। अब देखना है कि आखिर कब तक प्रदेश सरकार इनकी पीड़ा को सुनती है। ये है मिशन कर्मियों की मांगें। प्रदेश की करोड़ों महिलाओं को स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता, कौशल विकास के लिए स्वयं सहायता समूहों से जोड़ते हुए तथा समृद्धि का दावा करने वाली प्रदेश सरकार इन महिलाओं के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले हित लाभ को पिछले 9 सालों से अधिकारियों की लापरवाही या अकर्मठता की वजह से लटकाए हुए है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत समस्त कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के समय से प्रतिवर्ष 7% वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना था, जो पिछले 10 सालों से लंबित है। इसी क्रम में सभी कर्मचारियों का मेडिकल इंश्योरेंस तथा एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी भी लंबित है। अपने घर, परिवार, समाज से दूर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उनके परिवार के नज़दीक काम करने की सुविधा यानी ट्रांसफ़र पॉलिसी भी लंबित है। बीमा पॉलिसी के अभाव में अपनी जान गंवा चुके कर्मचारियों के परिवार को मिलने वाली प्रतिपूर्ति तथा उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार के सदस्य को सरकार द्वारा आश्रित रोजगार की भी व्यवस्था नहीं है। सभी कार्मिकों को HR पॉलिसी के अनुसार पूर्व में प्रदत्त अलाउंसेस जो पिछले 5 वर्षों से बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनके प्रभावी वेतन पहले से ही कम हो गया है,
भत्तों को पुनः चालू किया जाना है और बकाया का भी भुगतान किया जाना है। बिना किसी ठोस आधार के बाहर निकाले गए कर्मचारियों को पुनः काम पर वापस लिया जाए। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए लखनऊ से साहिद खान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समस्त कर्मचारियों की ओर से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी कोई नई मांगे नहीं है। 10 साल पूर्व से ही हमारी एचआर पॉलिसी लागू है, सक्षम स्तर से अनुमोदित है। उसमें जो भी कर्मचारियों को देय लाभ थे वो आज तक जमीनी हकीकत पर नहीं मिले हैं, मात्र वो कागजों में बने हुए हैं और उनको किसी ना किसी कारणवश या तो रोक दिया गया है या उनको कभी दिया ही नहीं गया। सबसे पहले तो महंगाई 70 से 75% बढ़ जाने के बावजूद भी, जबकि पॉलिसी में साफ लिखा है कि कर्मचारियों को 7 से 15% का वार्षिक वेतन वृद्धि की जानी है, लेकिन आज तक एक बार भी वेतन वृद्धि नहीं की गई, जबकि महंगाई आप देख ही रहे हैं कि कितनी बढ़ चुकी है। इसके सिवा मेडिकल इंश्योरेंस शुरू से ही दे है, लेकिन आज तक किसी भी कर्मचारी का मेडिकल इंश्योरेंस मिशन द्वारा नहीं किया गया। इसी प्रकार से उनका जनरल इंश्योरेंस और एक्सीडेंशल इंश्योरेंस सिर्फ कागजों में चलाया जा रहा है कि हमें देने वाले हैं, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। इसके सिवा कर्मचारियों को बाद में पॉलिसी में बदलाव करते हुए ट्रांसफ़र पे रोक लगाई गई कि ये मिशन हित में नहीं है, लेकिन कर्मचारी इसी आस पे नौकरी ज्वाइन किए हुए थे कि वो ट्रांसफ़र पा के अपने गृह जनपद के आसपास पहुँचेंगे। आज वो 500 से लेकर 900 किलोमीटर दूरी पे कम वेतन होने के बावजूद भी कार्य करने को मजबूर हैं, जिससे उनका आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। इसके सिवा ये सभी कर्मचारी जो हैं प्रोफेशनल हैं, इनको अलग स्थितियों में काम करना पड़ता है, लेकिन इनके कुछ भत्ते पॉलिसी में दे थे, कुछ समय तक वो दिए भी जाते रहे। कुछ मिशन को कुछ पैसे की कमी की वजह से कुछ टाइम ये भत्ते नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन बाद में शासन के एक पत्र जिसमें कोविड के टाइम पे कुछ समय के लिए कुछ भत्तों को छोड़कर के अन्य भत्तों को रोकने की बात की गई थी, इन्होंने उस लेटर का हवाला दे करके भत्ते परमानेंट बंद कर दिए, जिससे लोगों का जो बकाया था उसका नुकसान हुआ। इसके साथ साथ परमानेंटली उस तरह के भत्ते ख़त्म हो जाने से उनकी जो प्रभावी वेतन था वो कम हो गया और कई तरह की इसमें विसंगतियां हैं। ऑपरेटर्स साथी हैं, उनका वेतन एक बार 15,000 रुपये हो गया था, लेकिन उसके बाद उनको घटा करके 12,000 कर दिया गया। तो सभी कर्मचारी महंगाई के साथ कार्यकुशलता बढ़ने के साथ अपनी सैलरी में इजाफा करा पाते हैं और यही एक कर्मचारी के लिए एक अच्छी बात होती है कि जैसे जैसे वो काम करने में परांगत होता रहेगा, समय देगा किसी संस्था को, तो उसको उस कौशल का लाभ उसके संस्था के सिवा उसको भी मिलेगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका प्रमोशन की जगह डिमोशन होता जा रहा है। आप 10 साल पुरानी सैलरी में जब महंगाई अब बदल गई हो तो आप उस सैलरी पर कैसे काम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को, ये बातें हमने लगातार उठाई हैं, हर मंच पर उठाई हैं, लेकिन अधिकारी हमारी मांगों को इस तरह से कह के दबा जा रहे हैं कि ये मनमानी है या ये ऊपरे पायदान पर या हमारे शेष नेतृत्व को या एजुकेशन को ये दिखाते हैं कि इनकी ये जायज़ मांगे नहीं हैं और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी राजनीतिक पक्ष के साथ हैं या आपके विरोध में हैं और इनकी नाजायज मांगों को लेकर के लामबंद है। लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम प्योर सभी लोग कर्मचारी हैं, हमारे कर्मचारी के अपने जो हित हैं वो हित हमारे रोक दिए गए हैं, उन्हीं के लिए हम लोग 30 नवंबर 2023 से ईको गार्डन में धरना दे रहे हैं। हमारे साथ कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई लेना देना भी नहीं है और हम सिर्फ अपनी चुनी हुई सरकार से, जो भी सत्ता में है हम उसी से मांग करेंगे। हमारी जो चुनी हुई सरकारें हैं, जो हमारी सरकार हैं, वो हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे। तो इसी के साथ इसी तरह से हम यही कहना था।